मानसून की ट्रफ रेखा जो उत्तर प्रदेश से खिसक कर दक्षिण भारत पहुंच गई थी वह फिर से सामान्य होने लगी है। ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि आगामी 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश में 100 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना है। चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एस एन सुनील पांडे ने बुधवार को बताया कि मानसून ट्रफ सतह और निचले स्तरों पर अपनी सामान्य स्थिति के आसपास चल रही है। यह ट्रफ उत्तर प्रदेश के गंगा के मैदानी इलाकों में शिफ्ट होने की प्रवृत्ति दिखा रही है, साथ ही पहाड़ियों के करीब स्थानांतरित होने की संभावना है। ट्रफ के उत्तर की ओर खिसकने से नेपाल की तलहटी के समानांतर इसके विस्तार के साथ छोटे पैमाने पर चक्रवाती परिसंचरण बनेंगे। ये बुलबुले भारी वर्षा का कारण बनेंगे, जिससे 24 घंटों में 100 मिमी से अधिक बारिश हो सकती है। उन्होंने बताया कि मौसम की हलचल यूपी की पूर्वी सीमा से शुरू होगी। बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, गोरखपुर जैसी जगहों पर 10 जुलाई को मध्यम से भारी बारिश होगी। अगले दिन 11 जुलाई को बारिश का प्रसार और तीव्रता बढ़ जाएगी। भारी बारिश का सिलसिला सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, गोंडा, फैजाबाद, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर मंडल और बहराइच में लंबा चलेगा। यहां तक कि यूपी के दक्षिण पश्चिम कोने में भारी बारिश हो सकती है, जिसमें ललितपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और मथुरा शामिल है। 12 जुलाई को भी बारिश होगी तथा 13 जुलाई और उसके बाद की तारीखों में बारिश की कम होने की संभावना है। इस दौरान उमस भरी गर्मी भी बरकरार रहेगी।